26 न्यूज के साथ मैं हूँ नायला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पीटीआई के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए फराज चौधरी, फवाद चौधरी के भाई ने तस्दीक की कि फवाद चौधरी को घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उन्हें कहाँ ले गई ये मालूम नहीं। फवाद चौधरी के आलिया के मुताबिक सुबह इस्लामाबाद पुलिस के हमरा सादा कपड़ों में कुछ लोग आए जो फवाद को लेकर नामालूम मुकाम पर ले गए। आलिया हबाद चौधरी ने कहा कि हमें कुछ नहीं बताया गया कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़िश्ते रोज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में 13 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा को मुकामी अदालत में पेश किया। पीटीआई की जानिब से शोएब शाहीन, बैरिस्टर गोली और सरदार मसरूफ अदालत में पेश हुए। थाना बनीकाला के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की सुधा करते हुए कहा कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नहीं आती जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजा जाए। तफ्तीशी अफसर के मौके पर शोएब शाहीन ने कहा कि असद कैसर के वकला को बताया जाए कि पुलिस क्या चाहती है। असद कैसर को गिरफ्तार करने का अख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया। कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और आज असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असद कैसर को इस केस में रिहा किया जाए, असद कैसर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म देते हुए कहा कि एंटी करप्शन के भी पुलिस एक हफ्ते के अंदर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करे, जिसके बाद पुलिस असद कैसर को लेकर अडियाला जेल रवाना होगी। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले को मुसल्लह फौज के नौजवानों ने नाकाम बना दिया। जवानों ने मुल्क की कीमती असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और बर्बर कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया गया है। ISPR के मुताबिक तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मियांवाली एयरबेस पर हमलावर तमाम दहशतगर्द मारे गए हैं। ISPR का कहना है कि पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारे और फ्यूल बाउजर्स भी मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों में क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ISPR का कहना है मुसल्लह फौज दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।